In today's video, I will share one of my worksheets with you that is about sentence completion. I will share four to five questions with you. You have to solve them, okay? And you can just pause that and you can try to find out the answers. Make sure to comment and then I will share the explanation. And that is one of the easiest worksheets actually. जो मेरे पास जो वर्कशीट है वो काफ़ी ईजी वाली है, जो आज मैं शेयर करूँगा डिफिकल्ट वाली नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। ये वाली आप ट्राई करके देखना और एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट करना, एटलीस्ट 5 questions हैं, 6 minutes आर इनफ। प्लीज़ मेक श्योर कि 6 मिनट के बीच बीच आप उसको कंप्लीट कर लो। स्टार्ट करने से पहले आपको 5 factors के बारे में बता देता हूँ। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका जो आंसर होता है वो डायरेक्ट पड़ा होता है, ठीक है। यह है पहला केस। दूसरा, इनडायरेक्टली दिया होता है। तीसरा, हमारे पास सिनोनिम दिया होता है। चौथा, डेफिनेशन होता है। पांचवा, या फिर एग्जांपल होता है, ठीक है। ये सभी जो केसेस होते हैं इससे आप अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हो, लोकेशन पे पहुंच जाते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट अ बेटर स्कोर यू हैव टू वर्क ऑन दीज फाइव फैक्टर्स, ठीक है। अभी मैं आपके साथ फोटो शेयर कर रहा हूँ, 6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना, ठीक है। प्लीज़, आई एम वॉचिंग यू एंड सी इन द नेक्स्ट क्लिप। तो गाइस, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एज व्हाइट कुड नॉट वेरीफाई व्हाट हैपन टू द स्वैलोज ही मेड अ डैश, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 चीज़ों से हमारा आंसर आता है। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? या तो सिनोनिम हो सकता है, या डेफिनेशन हो सकती है, या एग्जाम्पल हो सकती है, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली दिया होगा। तो आइए एक बार इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। जो वाइट है, नेम है वैसे किसी साइंटिस्ट का, वो वेरीफाई नहीं कर सका, दैट मीन्स वो क्लैरिफिकेशन नहीं थी उसको कि स्वैलोज के साथ क्या हुआ। तो उसने क्या करा, डैश करा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर मिलेगा, ये रहा, मैंने मार्क करा है, इन दिस केस हाउएवर ही सिंपली हैड नो मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रुथ। वहाँ पे था, वेरीफाई नहीं कर सका, यहाँ पे लिखा है ही वॉज अनेबल टू डिटरमाइन द ट्रुथ, ठीक है, एंड वॉज फोर्स्ड टू मेक अ रैंडम गैस। उसने एक रैंडम गैस लगाया, ठीक है। अभी मैं अगर प्रॉपरली समझाऊंगा, देखो प्रॉपरली करोगे आप समझ के, है ना, वो भी हो सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, देखो लोकेशन मुझे पता है, लेकिन फाइंड आउट करने का मैं जस्ट मेथड बता रहा हूँ कि ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, अभी भी बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है हमारा रैंडम गेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट नोइंग द स्वेलोज माइग्रेट, है ना, ये चीज़ जानने के बावजूद, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लगा है, वी आर स्टिल लेफ्ट विद, हमारे पास अभी भी क्या चीज़ है, हमारे पास क्या चीज़ ऐसी है। तो जैसे वहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स है, ऑल दो वी नाउ नो दैट स्वेलोज माइग्रेट, चाहे हमें पता है स्वेलोज जो वो पंछी होते हैं, ठीक है, माइग्रेट करते हैं मेडिटेरियन सी, अलग अलग जगह पे, माउंटेन्स एंड ऑल, ठीक है, बट क्या है, देर आर स्टिल अनआंसर्ड क्वेश्चंस। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, समटाइम्स स्वेलोज हैव बीन नोन टू रिटर्न नॉट जस्ट टू द सेम एरिया। कई बार क्या होता है, स्वेलोज जो होती हैं, ठीक है, उनको जाना जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में ही वापस नहीं आती, बट इवन टू द डैश, ठीक है ना, एरिया में तो चलो वापस आती हैं, बट और किस जगह पे वापस आती हैं। इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा लास्ट लाइन में, ठीक है, मैंने मार्क करा हुआ है, एंड देन रिटर्न द फॉलोइंग ईयर टू द वेरी लोकेशन। यहाँ पे है सेम एरिया, यहाँ पे है वेरी लोकेशन, इट वॉज बॉर्न इन सम केसेस टू द वेरी सेम नेस्ट, दैट मीन्स टू द वेरी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर होम, ठीक है, जो नेस्ट वगैरह है वहाँ पे। फोर्थ का हमारे पास जो है आंसर है, बर्ड्स दैट ट्रेवल बाय नाइट कैन फाइंड देयर वे यूजिंग द डैश। देखो कई चीज़ें यहाँ पे मैंशनड है, सन भी लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है, बट वो डे टाइम की बात है, यहाँ पे बात करी जा रही है नाइट की। तो नाइट के लिए यहाँ पे है स्टार्स इसका आंसर, आई होप सबका करेक्ट हो। फिफ्थ इज, बर्ड नेविगेशन अपीयर्स टू बी कनेक्टेड विद द मेमोरी ऑफ डैश। बर्ड की जो नेविगेशन है वो कनेक्ट होती है मेमोरी के साथ, ठीक है, किसकी, वो यहाँ पे आंसर इसका वैसे तो है लोकल लैंडमार्क्स। यहाँ पे जो हमारा जो मेजर कीवर्ड है दैट इज मेमोरी, दूसरा है नेविगेशन, ठीक है। लास्ट लाइन देखो, द क्लोज नेविगेशन दैट ब्रिंग्स देम बैक टू द सेम फील्ड और नेस्ट अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द मेमोरी ऑफ लोकल लैंडमार्क्स, इम्प्रिंटेड मतलब छपी होनी, ठीक है, ऑन द माइंड्स ऑफ यंग बर्ड्स एज दे क्रिस क्रॉस, क्योंकि वो घूमते रहते हैं सेम एरिया में, इन द वीक्स बिफोर डिपार्चर, डिपार्चर के पहले। ऐसी और वर्कशीट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आई नेवर आस्क फॉर सब्सक्रिप्शन, बट प्लीज़
try to do that so that I can feel motivated and I will post more content.